हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं अंजलि आज आपके सामने लेकर आ गई एक न्यू रेसिपी जो है मटर की कचौरी। देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है बाहर से और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो देखिए कैसे मैंने बनाया, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा और उसमें डाला है 1 छोटा चम्मच नमक और 2 पिंच डाला है खाने का सोडा। इससे क्या है, हमारी जो कचौरी है अंदर सॉफ्ट रहेंगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी। इसके लिए मोइन करने के लिए मैंने 4 चम्मच जो है ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से मोइन किया है और मोइन का कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा आटा मोइन हो गया। इस तरह से हमारा जो आटा ऐसे बाइंड होना चाहिए। तो हो गया हमारा मोइन। अभी पानी डाल के हम इसको एक डो बना लेंगे। आधी कटोरी गाइस इसमें पानी लगा था छोटी। और देखिए जो डो बन के रेडी हो गया है, इस तरह का डो होना चाहिए। अभी रेस्ट करने के लिए हम इसको 10 से 15 मिनट तक रख देंगे और स्पीच बनाएंगे हम लोग अपनी कचौरी की फिलिंग। तो कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया। अजवाइन का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने 1 बड़ा ओनियन बारीक कट कर लिया है, उसको उसमें डाल दिया फ्राई करने के लिए। और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची जितना आप स्पाइसी खाते हैं। और गाइज एक बात, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का सिंबल को हिट कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आने वाली वीडियो आपको झट से मिल जाए। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन के। बेसन का इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और जो मॉइस्चर होता है ना वो उसको सारा एब्जॉर्ब कर लेती है बेसन इसमें डालेंगे तो। और इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें हम सब मसाले अपने ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच जो हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच जो है लाल मिर्ची पाउडर डाला है चटपटा बनाने के लिए, और 1/2 चम्मच डालूंगी गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच डालूंगी आमचूर पाउडर का। आमचूर पाउडर के बदले आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो उसमें और मैंने डाला है सौंफ का पाउडर। सौंफ जो है दरदरी कुटी है वो मैंने डाली है। सौंफ का भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम इन मसालों के साथ इसको मिला लेंगे। गाइस झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। आप इसको चटनी के साथ सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी हम मसालों को कर लेंगे मिक्स। तो हमारा जो है ऑलमोस्ट मसाला 5 मिनट हो गए हैं उसको भूनते हुए। अभी हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। तो मटर को मैंने उबाल लिया था, तो ये मोस्टली पके हुए हैं। इसको क्या कर दूंगी, मैशर से मैश कर दूंगी। और इस टाइम भी मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच नमक, क्योंकि गाइस आटे में भी नमक है और तो आप टेस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा है जब मिक्स ये बैटर ये जो है मिक्स बन के रेडी हो जाएगा। इसको मैंने मैशर से मैश कर दी है। तो जो हमारा जो है फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अभी क्या करेंगे, हरा धनिया इसमें डाल देंगे बस। अभी इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे नींबू के साइज़ के, ताकि हमारे हाथ बार बार गंदे ना हो। फिर हम इसको आटे में डाल के अच्छे से फील करके कचौरी बनाएंगे। देखिए आटा हमारा एकदम बढ़िया हो गया है। और एक ही साइज़ के हम जो है ऐसे बॉल बना लेंगे। तो 2 कप इसमें मेरे 11 कचौरी बन गई थी मीडियम साइज़ की। तो देखिए इस तरह से हम फैलाएंगे हाथ की सहायता से, और बीच में से थोड़ा मोटा रखेंगे, साइड से इसको थोड़ा मोटा रखेंगे बीच में से। मैंने बहुत मोटा डो नहीं लिया है, छोटा सा बॉल लिया है। तो देखिए इसको ऐसे ऐसे करेंगे, उसमें फिलिंग भर देंगे, फिर इसको हम बंद कर देंगे जैसे हम मोमोज को करते हैं गाइस, थोड़ा थोड़ा उस तरह से। और इसको हाथ की मदद से फ्लैट कर देंगे तो हमारी कचौरी जो है बनके रेडी हो जाएगी। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, देखिए जो पॉइंट है इसको ऐसे ही दबा देंगे, देखिए बनके रेडी हो गई। और एक पैन में मैंने जो है इसको अच्छे से देखिए फ्लैट कर दिया। 1 कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि किधर से खुला है फिलिंग, तो उसको ऐसे दबा दीजिए। तो देखिए हमारी कचौरी जो है हो गई बन के रेडी। अभी हम इसको ऑयल में तल लेंगे मीडियम फ्लेम पे गाइस, इसको डीप फ्राई करेंगे। हमारी जो है कचौरियाँ देखिए ऊपर आके फूली फूली सी, देखिए कितनी मस्त बन के रेडी गोल्डन कलर की हो गई हैं। तो इस तरह से मैंने सारी कचौरियों को डीप फ्राई कर ली।